आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपना स्ट्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब हमारा प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, यानी कि जिस दिन हमें प्रेगनेंसी कंसीव होने के बारे में पता चलता है, हमें मालूम होता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और हमें उस वक्त क्या क्या डाइट करनी चाहिए जिससे हमारी बेबी की ग्रोथ अच्छी हो और वो हेल्दी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सभी शादीशुदा महिलाएं माँ बनने के लिए बहुत उत्सुक रहती है और वो हर महीने इसका इंतजार करती है कि इस महीने हम कंसीव हो जाएंगे, इस महीने हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो सभी महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वो माँ बनने के लिए बहुत वेट करती है। तो फ्रेंड्स, जो महिलाएं कंसीव कर चुकी होती है, उन्हें पता चल चुका होता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, उसके बाद वो सोचने लगती है कि आगे अब हम क्या करें, हम तो प्रेग्नेंट हो गए हैं पर हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए, किस तरीके से सोना चाहिए, यह सब उनके माइंड में चलता रहता है और वो इसके बारे में सभी से पूछताछ करती है और जानना चाहती है कि इससे आगे अब हम क्या करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इस विषय पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब महिला को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उनको अपना ध्यान अधिक रखना पड़ता है, ना सिर्फ उनके लिए, उनके होने वाले बच्चे के लिए भी उनको अपना अधिक ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है, जब आप कंसीव कर लेते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि आपने कंसीव कर ली है, तो आपको ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, आपको ज्यादा नीचे की तरफ झुकना भी नहीं चाहिए। अगर आप नीचे की तरफ झुकेंगे तो आपके एब्डोमिनल एरिया है उस पर आपको दबाव महसूस होता है, उसमें आपका प्रेशर आता है, जिससे आपके होने वाले बच्चों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई है, तो आपको हेवी एक्सरसाइज, झुका वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी है, तब आपको स्लीपिंग भी अच्छी तरीके से लेनी होती है। आपको हर रात 8 आवर्स तक एटलीस्ट स्लीप करना ही पड़ता है, आपको सोना पड़ता है 8 आवर्स तक, और दिन में जितना हो सके आप 1-2 घंटे का नींद ले सकती है। इससे आपके होने वाले बच्चे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होती है। और फ्रेंड्स, तीसरी बात है आपकी डाइट। आपको आपकी डाइट में अच्छी तरीके से हाई प्रोटीन वाला फूड लेना चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए, आपको साग सब्जियां खानी होती है। साग सब्जियों में से आप पालक को अधिक मात्रा में सेवन करें, क्योंकि पालक में बहुत अच्छी तरीके से फोलिक एसिड होती है, जो आपके बेबी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी रहती है। आपको दाल, पल्सेस, ये सब खानी होती है, जिससे आपकी बेबी हेल्दी हो और उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। और फ्रेंड, जब आप कंसीव कर लेती है, उसके बाद आपको जॉगिंग और आपको बहुत स्पीडली वॉक नहीं करना चाहिए, आपको धीरे 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 वॉक करना चाहिए। आप घर में भी जब खाएंगे, उसके बाद आप धीरे 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 वॉक कीजिएगा, स्पीडली वॉक नहीं करना है। जॉगिंग तो टोटली अवॉइड करना है, जॉगिंग को टोटली अवॉइड करना है। हैवी एक्सरसाइज भी अवॉइड करना है, जो हालांकि मैंने आपको बताई हूँ कि एक्सरसाइज को अवॉइड करना है, आपको जॉगिंग नहीं करना है, और आप एकदम स्लोली 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 चलेंगे, ज्यादा सीढ़ियां भी नहीं चढ़ेंगे, थोड़ी बहुत फर्स्ट फ्लोर तक आप चढ़ सकते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से न चढ़ना ही अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रेमेस्टर में आपको अधिक से अधिक ध्यान रखना होता है। उसी वक्त बेबी की ग्रोथ चल रही होती है और उसी वक्त आपको अपना ध्यान रखना होता है, ताकि आपको कोई हानि ना पहुंचे, आपके बेबी को कोई हानि ना पहुंचे, इसीलिए आपको खास ध्यान रखना होता है। और इस समय आपको अधिक से अधिक पानी पीना होता है, जितना आप अधिक मात्रा में पानी पियेंगे, उतनी ही आपकी बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है और आपका बेबी मिस होने का चांस भी कम हो जाता है। तो जितनी हो सके आपको पानी पीना चाहिए, लिक्विड वाली कोई भी चीज आप पी सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, ये सब बहुत अच्छा रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी की ग्रोथ के लिए। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ध्यान रखना होता है, उनको आपको ध्यान रखकर चलना पड़ता है। कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे आपके बेबी पे असर हो और आपका बेबी मिस हो जाए, इससे ऐसी कोई भी आपको गलती नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है कि मैं ये करूँ या ना करूँ, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, तो उसके बारे में अगर आपको डाउट है, तो आप किसी से पूछ लिया कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ताकि मेरे बेबी पर कोई बुरा असर ना हो। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर आपको मेरी आज की जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, शेयर करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि जरूरतमंद लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाती रहूंगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।